नमस्कार दोस्तों, आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो पूछा गया है सीएसआईआर नेट दिसंबर 2012 पार्ट बी रियल एनालिसिस। स्टेटमेंट क्या है? लेट एफ बी ए मोनोटोन नॉन डिक्रीजिंग रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन आर। देन फर्स्ट ऑप्शन, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एट ईच पॉइंट ए। सेकेंड ऑप्शन, इफ ए लेस देन बी देन लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू बी माइनस एफ ऑफ एक्स। और थर्ड ऑप्शन है एफ इज अनबाउंडेड फंक्शन। एंड फोर्थ ऑप्शन है द फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एफ एक्स इज बाउंडेड फंक्शन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन क्या है कि एफ क्या है, मोनोटोनिक या मोनोटोन नॉन डिक्रीजिंग रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो देख लेते हैं, पहला जो ऑप्शन है इसमें क्या कर रखे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एट ईच पॉइंट ए, यानी कि एफ ऑफ एक्स की लिमिट हर पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करेगी, ये कह रखे है। तो फॉर ऑप्शन वन, सिग्नम फंक्शन सिग्नम एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इफ एक्स लेस देन जीरो, जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वन इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो इज मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। बट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो सिग्नम एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये सिग्नम फंक्शन है जो मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन इसके ऊपर लिमिट जीरो के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो हर एक पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करते, तो पहला जो ऑप्शन है ये तो डिस्कार्ड हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन को हम थोड़ी देर में देखते हैं, थर्ड ऑप्शन को हम देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या है, एफ इज अनबाउंडेड फंक्शन। अगर एफ कोई मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है तो अनबाउंडेड होगा, ये कह रखे है। तो देख लेते हैं फोर्थ थर्ड ऑप्शन, एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन इज मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई भी जो कॉन्स्टेंट फंक्शन है वो मोनोटोनिक होता है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है ऑन आर। बट कॉन्स्टेंट फंक्शन मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये तो कोई एक रियल नंबर है जो क्या है, बाउंडेड है, ये क्या कह रखे है, अनबाउंडेड। तो थर्ड ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन को हम देखें, द फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एफ एक्स इज बाउंडेड फंक्शन, ये कह रखे है ये बाउंडेड फंक्शन है। और कंडीशन क्या है, एफ क्या है, मोनोटोन नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो फोर ऑप्शन फोर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर इज मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर, ये हमें पता है। बट जी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ये क्या है, ये तो अनबाउंडेड फंक्शन है। तो ये फोर्थ ऑप्शन है ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। तो क्योंकि पार्ट बी का क्वेश्चन है, तीन ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, तो ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन इसका ट्रू हो जाएगा। लेकिन इसको भी देख लेते हैं कैसे ट्रू है। फोर ऑप्शन सेकंड, लेट एक्स लेस देन ए एंड ए लेस देन बी और लेस देन वाई सच दैट एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, ये हमने कैसे लिखा है, ये हमने मान लिया बिकॉज, क्यों मान लिया, बिकॉज एफ इज मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर x लेस देन है y से तो f ऑफ x भी लेस देन है f ऑफ y से, ये हमने मान लिया। और अगर ऐसा फंक्शन है तो इस प्रकार के फंक्शन में लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x क्या होता है, इन्फिमम हो जाता है, इन्फिमम ऑफ f ऑफ x वेयर a ग्रेटर देन x एंड लिमिट x टेंस टू लिमिट f ऑफ x टेंस टू माइनस बी, ये हो जाता है सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स एट एक्स लेस देन बी। इसको हमने कह दिया ये, इसको इक्वेशन नंबर वन, इसको इक्वेशन नंबर टू, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन में होता है या मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन में होता है। एंड वी नो दैट इन्फिमम ऑफ एफ एक्स लेस देन सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, ये हमें पता है कि किसी फंक्शन का इन्फिमम सुप्रीमम से लेस होता है फॉर एवरी फंक्शन।
तो फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन को और इक्वेशन टू को इसमें रख देते हैं, इसमें यूज कर लेते हैं। यूजिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू इन इक्वेशन थ्री वी गेट लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू बी माइनस एफ ऑफ एक्स फोर ए लेस देन बी। सो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था जो पूछा गया था सी एस आर नेट दिसंबर 2012 में पूछा गया था, पार्ट बी में रियल एनालिसिस का क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।